तो वेलकम फ्रेंड्स, फिर से एक बार दोबारा चैनल में वाटर एक्सपर्ट के कुछ कमाल मचाने वाली कमाल वीडियो लेकर आपके लिए मैं आ चुका हूँ, आपका फ्रेंड अपू सुरेश। और इस बार हम लेकर आए हैं कैंट का ऑल स्टार। यस, तो बहुत ही अमेजिंग है ये आरओ और बहुत ही बढ़िया लगा। 11 लीटर के वाइड यूज स्टोरेज के साथ ये आरओ, इसका कंप्लीट पीडीएफ सेटिंग, इंस्टॉलेशन, माउंटिंग, रिव्यू, कस्टमर टॉक सब कुछ कवर है इस वीडियो में। इसके लिए आपको यहाँ बने रहना है और कंटिन्यू वॉच करना है। 15-16 मिनट अप्रॉक्स वीडियो है ये और बहुत बढ़िया जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और बता देना हम सब अगर पसंद आए तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी टाइप की वाटर प्योरीफायर और अदर अप्लायंसेस के रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपका भाई आपका दोस्त। तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, ये है हमारा कैंट पर्ल स्टार और अब हम इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। सो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और निकालते हैं अंदर से इसके मैजिकल कैंट पर्ल स्टार। बहुत ही अमेजिंग आरओ है और दिखाता हूँ आप लोगों को। परचेज करना चाहोगे तो आप परचेज कर सकते हो, रिव्यू लेने के बाद करना डिसीजन। और ये निकाला पाइप कुछ इसके साथ आया है बॉक्स का कंटेंट में, और इसके साथ डिटैचेबल टैंक है, किट हो गई इंस्टॉलेशन की, एंड पर्ल स्टार आरओ जो मेन प्लेयर है। मैंने रख दिया पर्ल स्टार को स्लैब पे किचन की कस्टमर के, और ये डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी है। आगे और डिटेल में बताऊंगा जैसे आरओ ऑन होगा। और ये डिटैचेबल टैंक है, फूड ग्रेड प्लास्टिक का, गुड क्वालिटी। और इसके अलावा बाकी एक बार रख कर दिखा देता हूँ मैं आपको। वो सितारे बरसने लगे, वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो भाई लोगों, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे और भी चाहिए मुझे, क्योंकि जितना आपका प्यार बढ़ेगा उतनी मेरी मेहनत दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ाता जाऊंगा मैं, काम करता जाऊंगा। और आप लोगों के लिए ही हूं, आप लोगों का ही हूं मैं, और आप लोगों के लिए ही लाता रहूंगा बढ़िया बढ़िया वीडियो। तो ये डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी है, कस्टमर कुछ हमारी जानकारी ले रहे थे तो हम उनको बता रहे थे, और ये हमारा हुआ प्रोसेस शुरू उसको टांगने का, फिट करने का। सबसे पहले फीमेल कनेक्टर लगा लेते हैं। फीमेल कनेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ एंगल वॉल लगा हुआ है और यहाँ पर डीवी वॉल यानी डाइवर्टर वॉल जो होता है वो फिक्स नहीं हो पाएगा जो साथ में आरो गया है, तो आपको एक्स्ट्रा प्री मतलब ये लगाना पड़ेगा फीमेल कनेक्टर। वैसे तो कंपनी का पर्सन आता है तो ही मस्ट बी कैरिंग, अगर नहीं है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगा सकते हैं या किसी लोकल शॉप से भी ले सकते हैं। डब्बे को तो छोड़ ही दिया यार, यही तो मेन था जिसके अंदर से आरओ निकला। मतलब हम कैसे लोग हैं, आरओ पकड़ लिया डब्बा भूल गए। तो डब्बे को खोलते हैं, देखते हैं 7 जुलाई 2021 कैंट पर्ल स्टार ट्रेवलर मॉडल और 20 लीटर पर आर की प्योरीफिकेशन कैपेसिटी, 11 वाट यूवी, 100 वाट टोटल, 21,500 एमआरपी और 50,000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, सॉरी 5,000 आवर ऑफ ऑपरेशन। 6 इधर स्क्रूज हैं, 2 ऊपर हैं और 2 जहाँ टैंक रखा जाता है वहाँ हैं। टोटल 10 स्क्रूज को फटाफट से खोलते हैं और हम दिखाते हैं कैंट के पर्ल स्टार का इनसाइड व्यू अपने यूट्यूब चैनल वाटर एक्सपर्ट पे। आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग और क्या देखना चाहते हो, क्या जानकारी चाहते हो। और मुझे ना सीरियसली बता रहा हूँ एक दिल से, आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लेके आने वाला हूँ। अगर आप लोग ऐसा टॉपिक चाहते हैं तो लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो ये टॉपिक है कि मैं बताना चाहता हूँ कि आरओ का बिज़नेस कैसे ग्रो करें, ज़ीरो से मतलब स्क्रैच से लेके उसको ऊपर लेवल तक कैसे ले जाएं, जिस लेवल तक मैं आज ले गया हूँ उस लेवल तक आप लोग भी कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि मेरे से भी बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन हैं जो इस इंडस्ट्री में, बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं जो यार सीरियसली बहुत कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं बट वो नहीं अर्न कर पा रहे उनको काम होते हुए भी, क्योंकि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं आता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि काम कैसे आता है, काम को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और ऑनलाइन की हेल्प लेकर हम काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, रोकिए तो आप आरओ की तरफ पहले झलकी लीजिए। यह है यूवी प्लास्टर ग्रे कलर का, पहले ब्लैक, सबसे पहले स्काई वाइट था, फिर स्काई ब्लू था,
फिर ब्लैक था, फिर ग्रे था, बदलते रहो। और भाई कंपनी है, बदलती रहेगी, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। डायफ्राम पंप और आरओ का, ये ब्लू कलर का पोस्ट कार्बन है, 4 इंच का पोस्ट कार्बन है भाई, 400 रुपये का भी इसकी कैंट कंपनी। कुछ लोग पूछते हैं कि यार कैंट का आरओ लिया, इसकी सर्विसिंग का क्या चार्ज है? देखो सर्विसिंग का चार्ज क्या रहता है, जनरली सेडिमेंट और कार्बन चेंज होते हैं साल भर के अंदर, बाकी मेम्ब्रेन जो होती ख़राब होती तब चेंज होती है, यूवी जो लैम्प होता है जब जलना बंद हो यानी 4-5 हज़ार घंटे बाद तब चेंज होता है, पोस्ट कार्बन और ये यूएफ जो होती है ये भी आप 1 ईयर के पीरियड के बाद चेंज करना होता है। यानी अप्रॉक्स कॉस्ट बात करूँ तो पोस्ट कार्बन 400, यूएफ 600, सेडिमेंट कार्बन 500, तकरीबन 2000 और 200-300 रुपये सर्विस है, 2200 से 2500 रुपये मिनिमम ईयरली खर्चा है अगर मेम्ब्रेन नहीं चेंज हुई। मेम्ब्रेन चेंज हुई तो आप 2500 रुपये और ऐड कर लो, यानी 5000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट मान कर चलना भैया ये कैंट आरओ के लिए। तो पल्सटार आरओ में अब हम पाइप लगाते हैं फॉर द टाइमिंग, ताकि इसको जब मेरा क्या फंडा है कि पहले मैं आरओ को कनेक्ट कर लूँ ताकि वो फ्लशिंग व्लशिंग हो जाए, मेम्ब्रेन शेम्ब्रेन सारा पानी वानी निकल के एक बार ओके हो जाए आरओ। टिल देन हम ड्रिलिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, मेजरिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का प्रोसेस कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब, पुराने हो तो लाइक, पसंद आया हो नहीं तो करना डिसलाइक। हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन पे बिजनेस को कैसे ग्रो करें, तो यार आप बताओ, मतलब आप लोग अंदर सोचते होगे कि यार कैसे बिजनेस करें, कहाँ से कॉल्स लाएँ, कस्टमर्स को कैसे बनाएं, काम को कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब 2-3 साल के प्रोसेस में हम अपने नंबर ऑफ कस्टमर कैसे जोड़े, और ये है डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी, और ये क्या हुआ सितारे चमक रहे हैं, तो लाइटें भी जल रही है, स्टार है वो ऑलरेडी, तो चमक तो रहा ही है। तो आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन पे कैसे भी? तो सीरियसली अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना, तो भाई मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया का हर एक बंदा खुद का धंधा करे, खुद का धंधा बोले तो खुद का धंधा, ये डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं हमारे भी बिजनेस की प्योरिटी, यानी प्योरिटी एक हमारा रूल है, उसी के बस बेस पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ईमानदारी का ही खाना चाहिए तभी आप आगे बढ़ोगे। करूँगा इस बारे में चर्चा, आप लोग अगर चाहोगे तो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैं सीरीज हाउ टू स्टार्ट आरओ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप, ठीक है? और ये 4 इयर्स फ्री सर्विसेज का वादा कुछ नहीं है, फ्री मतलब ये गेमिंग है बेसिकली, मार्केट में आप लोगों को कंटिन्यू सर्विसेज का पार्ट बनाए रखना, बिकॉज द सर्विस इज द मेजर इनकम फॉर द वाटर प्योरीफायर सेगमेंट एंड प्योर वाटर स्टार्ट कमिंग, यस यस इट्स कमिंग विद द एयर फ्लो ऑफ एयर, और वी हैव मेजर्ड फर्स्ट TDS 430, वाओ वेरी गुड। क्या यार वो 430 TDS देगा? नहीं यार, बताता हूँ। जनरली क्या होता है, कोई भी डोमेस्टिक आरओ या कोई भी आरओ होता है, उसकी आरओ मेम्ब्रेन क्या काम करती है, 95% से लेके 98% रिजेक्शन ऑफ वाटर करती है। यानी अगर 1000 TDS का रॉ वाटर का मैंने इनपुट किया तो 3 से 5% यानी 30 से 50 मुझे प्योर वाटर मिलेगा, लेकिन 30 से 50 मेरी बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना होता है, TDS कंट्रोलर होता है, जिसका अभी रोल मैं आपको समझाऊंगा कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे। अभी मेम्ब्रेन जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो फ्लशिंग होती है, नई मेम्ब्रेन होती है जो TDS ज़्यादा दिखाती है, धीरे धीरे लेवल इसका रिड्यूस होता है और रिड्यूस हो के नीचे आता है। देखिए लो पे आ चुका है, इनिशियली जब हमने इसे ऑन किया था तब ये गुड पर दिख रहा था, अभी मिनरल्स लो पे आ गया। ये लो और गुड और ये हाई कैसे रिकमेंड कर रहा है इसके बारे में बता दो। डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी को जो मैंने मेज़र किया वो इस तरीके से काम करता है, देखो अब 64 TDS आ चुका है, इसने इस तरीके से मेज़र किया कि 80 से नीचे नीचे जब TDS था इसका, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी में लो पे जा रहा था। जैसे ही मैंने 140-130 TDS किया, अभी दिखाऊंगा वीडियो में, तो उस टाइम पे ये गुड पे चला गया। कंट्रोलर का काम कैसे होता है, देखो घड़ी की तरफ देख लो, घड़ी अगर जैसे घूम रही है यानी राइट साइड में, राइट आप करोगे तो TDS रिड्यूस होगा, लेफ्ट आप करोगे यानी एंटी क्लॉक करोगे तो TDS बढ़ जाएगा। सिंपल फंडा है, लाइन भाग रही है आराम से पढ़ लो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी घर पे खुद ही कर लो TDS को सेट, तो हाँ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपको एक TDS मीटर मंगाना है, एक दो अच्छे वीडियो देखने जैसे मेरा है और भी लेके का है और भी लोगों का है, वो देख सकते हो। TDS कंट्रोलर को लेफ्ट राइट घुमा सकते हो और हल्का फुल्का सा एकदम से ही नहीं, बहुत सारा घुमा दो, बिल्कुल माइन्यूटली घुमाना होता है इसको, बहुत नाजुक प्यार से संभाल के। और अभी देखो TDS चेंज, यानी ऑरेंज कलर से देखो लाइट भी चेंज ग्रीन पे आ गई, देखा आप लोगों ने, देखा मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की।
तो ये चेंज हो चुकी डिस्प्ले ऑफ प्योरिटी में, यानी हमने गुड पे टीडीएस रख दिया, यानी 140 के अप्रॉक्स टीडीएस कस्टमर को दिया। ही वाज सेइंग कि इसको भैया हाई पर ले जाओ, हाई पे ले जाऊंगा तो 200 या 250 टीडीएस हो जाएगा, तो आरओ लगाने का कोई मतलब ही नहीं था मेरे दोस्तों। तो पानी वैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट, टेस्टिंग कंप्लीट। इसके बाद इसकी नाप देखो, सबसे पहले आरओ लो, ऊपर टांग दो। टांगने के बाद इसकी जो मेन हाइट है, मतलब जहाँ पे आरओ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया दीवार पे, ठीक है। साइज़ देखना होता है, बगल में कैबिनेट वैबिनेट तो नहीं टकरा रहे हैं, वो सब देखना है। नीचे का पॉइंट मार्क कर लिया और ऊपर का पॉइंट मार्क कर लिया, यानी मुझे पता लग गया इन निशानों के बीच में मेरा आरओ भैया आने वाला है। तो अब मैंने ऊपर से नीचे तक में क्या किया, जो आरओ के बीच में पॉइंट है यहाँ मार्किंग ले ली मैंने, ले ली मार्किंग, ठीक है। यानी दोनों के बीच का मेजरिंग कर लिया, गैप। गैप मेज़र करने के बाद मैंने ऊपर जाके जो पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था आरओ, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, यानी मुझे पता लग गया यहाँ मेरी ड्रिलिंग होनी है। ड्रिलिंग का पॉइंट पता लग गया, और इसके बाद लेफ्ट और राइट वाला गणित लगा लेंगे, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब ध्यान रखना है। प्लस वायरिंग शॉर्ट ना पड़े, जो तार आती है वो छोटी आती है, तो ये भी देखना है कि आपका जो स्विच बोर्ड है, यानी जो दो उसके छेद हैं और जो आपके प्लग साथ में है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, नहीं तो फिर खामखा आपके एक्सटेंशन का खर्चा बढ़ेगा। बाकी तो वैसे सभी काम वो करता ही है यार, जो आता है टेक्निकल अंदा, आप नॉर्मल हो उतना घबराओ मत। लेकिन ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ अपने टेक्निकल भाई लोगों को, वैसे तो उन लोगों को भी पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा। कस्टमर को भी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एरियो में सर्विसेज नहीं मिल पाती, इंस्टॉलेशन नहीं हो पाती, या खुद मजबूरन करनी पड़ती है, तो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ा फास्ट रूल नहीं है। चाहिए इसके लिए आपको एक छेद करने वाली मशीन, जिसको भाषा में बोलते हैं ड्रिल, वो आपको मिलेगी, लिंक के दिया हुआ है नीचे। ये बॉश कंपनी की है जो मैं यूज़ करता हूँ, ब्रांड है, ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की लगी थी मुझे, तो ली थी मैंने। बाकी अब तो मैं लोकल भी परचेज करके चला लेता हूँ, बिकॉज ब्रांड इज़ नॉट द एवरी थिंग, क्योंकि जो लोकल है वही कल जाके ब्रांड बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम सब लोगों की वजह से। तो वाटर एक्सपर्ट भी एक ब्रांड बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल्स एंड यू गाइज आर लाइकिंग, हम सब कुछ दे रहे हो। एंड हाँ, जो मैं बात कर रहा था सीरीज लाने की, आरओ का धंधा कैसे बढ़ाना है भाई, अपन को धंधा बढ़ाना है, काम करना है, अल्टीमेटली हमारा गोल है पैसे कमाना है, अपने आप को लाइफ स्टाइल देना है, सब कुछ करना है, तो सब कुछ होगा, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। गिट्टी लूज रह जाए तो उस पर ध्यान देना, थोड़ा सा ड्रिल से होल बड़ा कर लेना, लूज नहीं छोड़ना, और लूज छोड़ दोगे तो आरओ का गिरने का डर है, यानी 18-19 हज़ार की मशीन धड़ाम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान बरतें, सावधानी रखें, सतर्क रहें। मैं आपका दोस्त वाटर एक्सपर्ट में आपके साथ बना हुआ है, और ये ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं और कुछ बताने वाला, हाँ सीरीज की बात कर रहे थे, ठोक दिया गिट्टी को, दूसरी वाली भी ठोक दिया, दैट्स इट, लग गया गिट्टी। पेज सब साथ ही देती है कैंड कंपनी, स्टिकर भी चिपकाने वाला साथ ही देती है। एक चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी पेज लगाते हो तो उसको ठक 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 ठोको मत, उसको कसो। कसने से क्या होता है, अंदर की जो गिट्टी होती है उसकी ग्रिप ख़राब नहीं होती, जब आप ठोकते हो तो ग्रिप ख़राब हो जाती है और लूज़ रह जाता है कहीं ना कहीं स्क्रू। आपका तो काम ईजी हो जाता है, ठक 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 ठोक दिया, कसने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी सी ग्रिप लूज़ हुई और आरओ स्लिप, मतलब वो पेच की मजबूती नहीं रहती, सिंपली इज़ दैट। तो बाकी का काम आप जानते हो, समझते हो, और सीरीज़ जहाँ मैं बात कर रहा था, वापस उसी पे आता हूँ। अगर आप लोग चाह रहे हो कि भैया ऐसा कुछ रामबाण या ब्रह्मास्त्र मिल जाए, आरओ का धंधा चल जाए तो मज़ा आ जाए। देखो रामबाण ब्रह्मास्त्र नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ जो मैं बताऊँगा वो अगर आप लोग करोगे तो मुझे सक्सेस मिली है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी मिलेगी, बिकॉज जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। आई वॉज नॉट फ्रॉम द नॉन टेक्निकल, मतलब आई वॉज फ्रॉम द नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, बट स्टिल मैंने भी यूट्यूब से और यहाँ से वहाँ से सीखा, और सीख सीख के सीख रहा हूँ, और वही चीज़ ज्ञान आपके साथ दूंगा। हाँ कभी कभार हथौड़ी को ठोक सकते हो, जब आपकी ग्रिप को प्रॉपर करना हो तो, नॉट हर टाइम। आरओ को पैक करते कितने स्क्रू थे, 10 स्क्रू थे। और हाँ, इंस्टॉलेशन के और भी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, एक्वागार्ड एस्टर, एक्वागार्ड ऑरा, जो आप जाकर आई बटन पर देख सकते हो। और हाँ यार, ये कनेक्टर्स वनेक्टर्स होते हैं आरओ के, जो भी मैं मतलब टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, पाइपिंग कनेक्टर और क्या क्या टूल किट्स हमारे पास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो मैंने आई बटन के ऊपर दे दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो पैकिंग हुई खलास,
अब आएगा इस आरो को टांगने की बारी और ये लटकने वाला है और लटकता रहेगा। कब तक? तक सर्विस नहीं होगी दोबारा, तो लटका दो इसको, सजा दे दो कैंटपल स्टार आरो को टांगने की। और ये टंग चुका है, टंगने के बाद वाह जी वाह क्या लग रहा है जी आरो, मज़ा ही आ गया। और ये जो लटक रहा है ये फ्लोट वॉल है इसका, यानी जो फ्लोट स्विच मैग्नेट सेंसर पे चलता है, पाइपिंग का काम कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम हमने टेम्प्ररी लगाई थी, अभी पूरी प्रॉपर पीछे से लेके एडजस्ट करके ताकि दिखे ना। कस्टमर का पता है क्या जवाब, पाइपिंग छुपा दो दिखे ना, अरे तो हटा दो पाइपिंग में, थोड़ी बहुत तो दिखेगी। आजकल यार मॉड्यूलर चीज़ें हो रही हैं तो कस्टमरों की डिमांड यही होती है कि पाइपिंग मत भैया दिखनी नहीं चाहिए, ये वायर यहाँ से नहीं वहाँ से होनी चाहिए। जितना टाइम इंस्टॉलेशन में नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम इन पाइपों को एडजस्ट करने के अंदर लगता है, बट करना चाहिए, अपना काम है परफेक्शन से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, कस्टमर खुश तो हम खुश, सिंपल सा फंडा है। अपन खुश नहीं हो पाएंगे अगर कस्टमर हमारा खुश नहीं रहेगा, तो सेम वे मैं भी खुश तभी होऊंगा जब आप लोग खुश होंगे यानी मेरे सब्सक्राइबर, और मैं खुश कब होता हूँ जब थम्सअप होता है, और थम्सअप कब देते हो जब आप लोग खुश होते हो। तो अगर आप लोग वीडियो से खुश हो तो लाइक कर देना, लाइक कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ मैं मतलब बिज़नेस को सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ और बढ़ाया जाए, तो अगर आप लोग कहीं किसी भी एरिए में सर्विस प्रोवाइड कराते हो किसी भी जगह पे, तो नीचे मेरा डिटेल दे रहे हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर दो, अपनी लोकेशन भेजो, नाम भेजो, एड्रेस भेजो, कौन से ज़िले से हो, कौन से एरिया से, कौन सी स्टेट से हो, सब कुछ भेजो। फिर जिस भी तरीके से मेरे पास जहाँ जहाँ का भी काम आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग बढ़ोगे और बढ़ोगे तो मुझे मज़ा आएगा। और हाँ अगर ये आरो लेना हो ना किसी को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्यों लोगे मेरे लिंक से? भाई मुझे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ कमीशन मिल जाएगा अमेज़ॉन एफिलिएशन करूँगा, तो नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी, जहाँ मर्जी से ले लेना। तो फ्रेंड्स फाइनली ये कैंट आरो इंस्टॉलेशन डन हो गया है हमारी तरफ से, और पल्स स्टार अल्टीमेट मॉडल है, बेस्ट क्वालिटी विद डिजिटल डिस्प्ले, 8 लीटर स्टोरेज टैंक आरो यूवी यूएफ मिनरल टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने लगवाया, एक बार हम आपकी उनसे बात करा देते हैं। तो आप खुश हो इस आरो के साथ? आपका नाम बता दो। मनीष जी हैं ये, इन्होंने ये लगवाया आरो, और ये आरो से काफ़ी सेटिस्फाइड है, कह रहे हैं कि बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है ना। ठीक है चलिए, तो आपको भी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो आरो की तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,